Very good morning to all of you. So I was telling you that today I will put four case studies of four chapters of the first revision test. ठीक है? In the group, you will practice it yourself. अपने आप उसको practice करना, ठीक है? Because concept we have revised. Now you can do किसी भी तरह की case study आ जाए आप कर सकते हो. Because every question of the case study or every paragraph of the case study is based on the concept of the chapter that you have already done. ठीक है? So yesterday I told you to revise number system concept thoroughly. Those who are sitting over here, how many of you have revised it? Honestly, let me know. Honestly. Gurpal Singh. Ride, revise kiya? Diskaran. Have you revised the concept of first chapter? Kyun? Paper nahi dene? Kaise dene? हर्षित, have you revised the concepts of क्या जैसे कुछ पता ही नहीं कि क्लास में क्या हो रहा है क्या have you revised the first chapter's concept क्यों नहीं किए stand up मैंने कल बोला था ना कि आप पढ़ के आना मैं पूछूंगी और साथ साथ जब बोर्ड पे कराऊंगी तो आपसे लोगों से पूछ के करवाऊंगी have you revised हर्षित I'm talking to you हाँ हाँ क्यों रीजन हर्षिता ये आपने मैंने आपको बोला था पेरेंट्स को बोलना इसके बारे में ये बिल्कुल नहीं पढ़ता आगे से ऐसे मतलब निग्लिजेंस दिखा रहा है कि मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या 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 पूछा मैम ने ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन बताओ रैशनल नंबर की कैसी होती है हर्षित व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर इज हैविंग रैशनल नंबर की मैंने फॉर्म नहीं पूछी मैंने डेसिमल एक्सपेंशन पूछी है हंसने की इसमें कोई बात नहीं है कुछ ना आए तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है लेट मी नो व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर धैर्य डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रेफरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वन ऑफ द सेम थिंग एक ही तरह की होती है इसकी कौन सी टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो टर्मिनेट है वो नॉन रिपीट रिपीट की तो बात ही नहीं खत्म हो गई वहां पे One is a terminating and another is non-terminating repeating. Anji Raghav, you tell what kind of decimal expansion irrational number is happening. Non-terminating, non-repeating. Gurshan, give one example of terminating decimal expansion. हाँ बोलना कुछ क्या है खत्म हो गया इतना ही है इट इज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है बेटे आप खुद बोल के खुद ही कंफ्यूज हो क्योंकि ये रुक गई है कहीं रिपीट नहीं हो रही तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इतनी देर इसको बोलने पे टू पॉइंट कितनी देर के बाद फाइव इसमें क्या सोचना ये कौन सा किसी नंबर की मैंने पूछी फटाफट से बोलो आप एक और एग्जांपल दो टर्मिनेटिंग का 3.7 दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस रितिका नहीं आई आज बैठ जाओ प्रभजोत यू गिव एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
3.123123123 सो ऑन. और इसको रोकते कैसे हैं? किसके ऊपर? सबके ऊपर. 1 2 जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार. सो वी विल राइट इट 3.1231. दैट्स ऑल. Pritay, you tell the example of non-terminating, non-repeating decimal expansion. Example of non-terminating, non-repeating decimal expansion. हाँ जी बताओ. Non-terminating, non-repeating. Non-terminating, non-repeating decimal expansion. बेटे कुछ नहीं आता. कल जो पूछा वो नहीं आता. आज जो पूछा, कल जो पूछा जाएगा वो भी नहीं आएगा. हाँ कल पूछ लो. अच्छा कल वाले में से पूछ लूं. जो कल पूछा था, समझाया था, वो दोबारा पूछ लूं, वो आता है? अच्छा कोई बात नहीं, वेट करो फिर. आप बताओ हर्षिता. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रूट टू. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. फॉर्मेट में बताओ. ये तो आपने इरेशनल नंबर बता दिया ना, तो फॉर्मेट में बताओ. कौन कौन सी ये? अच्छा ठीक है. 1.414214. That means where the digits are not repeating, they are, and they are not following any pattern, they keep on going. Digits जो है वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, repeat नहीं कर रहे, and so on का sign जो है वो वहां पे लगेगा ही लगेगा. Is it okay? This is non-terminating repeating decimal expansion. Express 5.62 bar in P by Q form. 5.62 bar in P by Q form. हाँ जी धैर्य. What will be the first step? That x is equal to 5.62 bar. Next step भी बताई दे अब. पहले multiply कर देना. पहले मल्टीप्लाई कर देना. थ्री टाइम लिख लो. हाँ फाइव. पहले हम बार हटाएंगे. 5.62 6264. वी रिमूव द बार. बैठ जा बेटे. प्रभजोत नेक्स्ट स्टेप. टेन से और 100 से मल्टीप्लीकेशन होगी. बिकॉज डिजिट अंडर द बार देर आर टू. सो जितने डिजिट अंडर द बार होंगे उतने ही जीरोस के साथ हम 100 मल्टीप्लाई. So this will be 100x 562.62626262 and so on. This is equation number 1. This is 2. When we multiply, decimal shift to right side and 6262 it will left 2 times. But very intelligently we will write it 3 times as so on ka sign hai. Hum kitni marzi baar likh le. Theek hai? Now, हाँ? ये 3 बार मैंने लिख लिया. हाँ जितनी बार मर्जी लिख लो. हम मैक्सिमम 3 टाइम्स लिखें. सो उनका साइन डाल. ठीक है. उसके बाद हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल शिफ्ट हो गया. यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ आया. यहाँ पे 4 बचने थे 6262 पर. हमने 3 बार लिख लिया. उतनी बार ही लिखो जितना इक्वेशन नंबर 1 में है. ऐसे आपका जो आंसर है वो काफी हद तक सही आ जाता है. कैलकुलेशन काफी हद तक ईजी हो जाती है. नाउ सब्ट्रैक्ट 2 - 1 गिव. 100x में से x गया 99. जब इधर आप सब्ट्रैक्ट, जब आप इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, because you have managed the things intelligently, these things 562 - 5, x is equal to 57/99. Right? Then we have done one type in which we are having it like 5.123 bar. That means the number in which all the digits are not under the bar. जिसमें सारे digits bar के under नहीं है. उसमें सबसे पहले इसको x select करेंगे. राघव first step. गौरव
पहले हम जैसी हमने सॉल्व करनी सीखी वैसी इक्वेशन बना लेंगे, यानी कि जो डिजिट बार के अंडर नहीं है इसको उधर ले जाओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, वन डिजिट है, 10x इज इक्वल टू 51.23 बार. नाउ इट बिकम्स ऑफ द सेम फॉर्मेट दैट वी यूज टू सॉल्व. नाउ दिस बार विल बी रिमूव्ड एंड 23 विल बी रिटन 3 टाइम्स, 2 3 2 3 2 3. So now so on ka sign hai saath mein. You see there are two digit under the bar. Now we will multiply both side by 100. So ye ban gaya 1000x. टू थ्री दो कदम इधर चल के आ गया, बट पीछे टू थ्री फोर टाइम्स बचा था, हमने इसको 3 टाइम्स लिख लिया. इन टेन दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 2 माइनस 1 990x फाइव जीरो सेवन टू, ये सारे जीरो बन गए. सो x इज इक्वल टू 5072 over 5072. वैसे भी ये डिपेंड करेगा अब एमसीक्यू के ऑप्शंस पे, है ना, कि ऑप्शन किस, अगर ऑप्शन उसी हिसाब से दिया हुआ है देन यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली. ठीक है, let us do some assertion reasoning from this chapter. Root 6 over root 2 plus 3 plus 3 root 2 over root 6 plus root 3 minus 4 root 3 over root 6 plus root 2, this is equals to 0. This is assertion. कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जीरो आ रहा है. आपको पता है ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व, एलसीएम नहीं लेना, इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, तीनों आंसर्स को पहले प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दो पहले आंसर की, फिर दूसरे आंसर की, माइनस का साइन तीसरे आंसर की, देखो कि आंसर जीरो आ रहा है या नहीं, यानी कि अजर्शन इज ट्रू और नॉट. ठीक है, रीजन इज कॉन्सेप्ट ऑफ rationalizing is applied to rationalize the numerator. Concept of rationalization is applied to rationalize the numerator. फोर थिंग्स आर देयर assertion रीजनिंग में. पहला पार्ट होता है कि assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सेकेंड होता है assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. थर्ड होता है assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. फर्स्ट फोर्थ होता है assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. देखो जरा ध्यान से, इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रीजन देख लो. रीजन अगर आपका ये रीजन फॉल्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन इज अप्लाइड टू रैशनलाइज द न्यूमिनेटर, नो, वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो जब रीजन फॉल्स हो गया, आपको अजर्शन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. अजर्शन नेचुरली क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा हो अजर्शन भी फॉल्स और रीजन भी फॉल्स. ठीक है, कुछ ट्रिक का आपने लगाने. देखो इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस जो थी वो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. अगर हैड इट बीन इट इज लाइक रीजन इज लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन इज अप्लाइड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो रीजन क्या हो गया, ट्रू. रीजन ट्रू हो गया,
अब आपको assertion चेक करनी पड़ेगी कि assertion ट्रू है फॉल्स है, अगर ट्रू है तो रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहले देखो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही, क्योंकि इसमें सब में क्या होएगा, रैशनल इज द डिनोमिनेटर होएगा, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप देखो जरा assertion ट्रू है कि नहीं। हाँ सॉल्व करना है, तीनों को सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से, इसको अलग से, देखो आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है जीरो आना। Solve it and accordingly you will get the answer. See the next assertion is 0.66 bar in p by q form will be 66 over 90 and reason is every rational number is of the form p by q where p and q are integer, q not equal to 0. Assertion is false and reason is true. How you say so quickly that assertion is false? बिल्कुल ठीक, मैंने एक ट्रिक बताया था कि अगर आपके पास सारे डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रहे हैं अंडर द बार है तो उसकी पी बाय क्यू फॉर्म लिखना बहुत आसान हो जाता है, उतना ही नीचे दो नाइन आ जाता है जितने डिजिट अंडर द बार है। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू दिस, अगर हमारे पास 0.589 बार हो तो इट विल बी आंसर विल बी 589/99। वेरी इजी टू टेल द आंसर and naturally reason is true but assertion is false. उस दिन जानवी आप कह रहे थे ना कुछ ऐसा बताओ जिसमें assertion false और reason true हो, this is the example of that, right? Next. हाँ जी मैंने trick ही बता दिया, आप कर लो solve करके देखो उसमें जीरो आंसर आएगा, हर एक टर्म को सॉल्व करोगे पुट करोगे आंसर विल बी जीरो। आ किस किस का जीरो आंसर आ गया था या मैं सॉल्व, जीरो आंसर आएगा उसका सॉल्व करके देखना। Value of this should be equal to this. Reason is a raised to power m over b raised to power m is equal to a raised to power n into b raised to power m. Reason is false because a raised to power m a over b raised to power m is a raised to power m over b raised to power m. So जो law है exponent का वो गलत है. रीजन फॉल्स हो गया तो नेचुरली assertion को ट्रू होना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता,
जहां पे इज एंड फॉल्स है वहां पे assertion आपकी हमेशा ट्रू होगी। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं a raised to power m into b raised to power m is equal to a b raised to power m, then what you will think about? Is reason true or false? Reason individually is true, right? But it is not the correct explanation of assertion. But you have to check whether assertion is true or false. Assertion is true. अगर आपका रीजन ट्रू है तो फिर आपको assertion का ट्रूथ जो है वो चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि assertion true, reason true, reason is correct explanation or not the correct explanation, you have to see that. ठीक हो गया बेटे? चलिए नेक्स्ट करते हैं। रीजन इज, अच्छा जी बोथ आर ट्रू, पहला चेक कर लिया ट्रू है। रीजन के बारे में पहले बताओ, रीजन ट्रू है? एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, वन टू वन इन टू वन, रीजन ट्रू है। एंड नाउ यू हैव टू चेक द असर्शन, करना पड़ेगा इसको सॉल्व। आता है सॉल्व करना इसको? नहीं आता। किस किस को नहीं आता? गुरशान सिंह आप भी आजकल थोड़ा पढ़ाई से पीछे जा रहे हो, शायद बेंच पीछे हो गया, नहीं तो आप हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व करते थे क्लास में अच्छे से। बताओ इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा सॉल्व करने का? इसको भूल जाओ दो मिनट के लिए। आप देखो टू रेस टू पावर ए माइनस बी, बेसिस सेम, डिवीजन का साइन, पार्ट्स गेट सब्ट्रैक्टेड, 2 raised to power a minus b, ऊपर a plus b. Similarly, I follow in the second step, 2 raised to power b minus c into b plus c, and the third step is 2 raised to power c minus a into c plus a. Now, one power is inside, another is outside, get multiply. And when they get multiply, the formula is a minus b a plus b. क्या होता है a minus b a plus b? A square minus b square. Similarly, I'm going to follow basis same, multiply ka sign power get added. Anything raised to zero is always one. So answer, I am writing it to be 3. Assertion is wrong, but reason is true. बेटे मेथड किसी ने चेक ही नहीं करने, मेथड जोड़ा मर्जी लगा दो, नोबडी इज गोइंग टू चेक द मेथड, ऐसे कैंसिल नहीं होती होती वैसे टर्म्स। ऐसे तो आपका आंसर वन बना, टू के ऊपर वन, टू के ऊपर वन, जीरो नहीं ना बना, ऊपर नीचे टर्म्स कैंसिल नहीं होती। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा आपने माइनस बाद में किया, अच्छा इसको करके ऊपर ले जाके आपने कटिंग की ना मुझे, ठीक है ठीक। अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हिच मेथड यू हैव अप्लाइड, सीधा आपका आंसर देखा जाना है, मेथड आप जो मर्जी करी जाओ अप्लाई।
quotient when root 1500 is divided by 2 root 15 is 25. हाँ जी In division, same number under the root get cancelled. Reason is true. क्योंकि जब हमने divide करते हैं, अगर number under the root same हो, तो that get cancelled. And what about reason? Assertion. Solve करो assertion को क्या answer आ रहा है? हाँ? जाएगा ही नहीं. सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व करके देखो क्या पता एमसीक्यू में आ जाइए कि इसको इससे डिवाइड करके आंसर कितना आएगा. आता नहीं सॉल्व करना तो फिर क्या हुआ? रूट है. जैसे डायमंड्स कट डायमंड जहर को जहर काटता है, उसी तरह से रूट को रूट काटता है. देखना रूट 1500 अगर ऐसा कुछ हो ना, अगर आपको न्यूमिरेटर में सेम रूट दिख रहा हो नीचे वाला, आप इसको अलग कर दो. फैक्टर बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे अलग कर दो ताकि सीधा ही कैंसिल हो जाए. मैंने इसमें से रूट 15 को अलग कर लिया, 100 को अलग कर दिया, कट हो गया नीचे का रूट. डायमंड कट डायमंड, जहर को जहर काटेगा, रूट को रूट काटेगा. ठीक है, रूट 100 ओवर 2, रूट 100 इज 10 ओवर 2, आंसर इज 5. जैसे कि एकदम से राघव ने बोला कि क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है इसलिए डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है. रैशनलाइजेशन करेंगे. अगर वैसे तो राघव की बात ठीक है कि डिनोमिनेटर में रूट हो तो आपको रैशनलाइज करना चाहिए, बट अगर डिनोमिनेटर वाला रूट न्यूमिनेटर के रूट के साथ बैलेंस हो रहा है, व्हाई टू डू द रैशनलाइजेशन? ठीक है, राइट? अगर आप अपने नोज को ऐसे पकड़ सकते हो तो फिर ऐसे इधर से पकड़ने की क्या जरूरत है. ठीक है, राइट डाउन. नेक्स्ट बच्चे क्वाइट. 1/√7-2 कैन बी रिटन एज
क्या ना आंसर इसका? रूट सेवन प्लस टू ओवर फाइव, बिल्कुल ओरली इसका आंसर है। ओवर थ्री आएगा, सेवन का रूट सेवन का स्क्वायर सेवन एंड टू का स्क्वायर फोर, सेवन माइनस फोर थ्री होएगा। तो दर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन। पेपर में जरा ध्यान से देखना, कभी कभी डी सी ऑप्शन को सी डी भी कर दिया जाता है, तो ऐसे मत सोचना कि डी में ए होगा सी में ओ होगा। रूट इन डिनोमिनेटर वी यूज टू अप्लाई रैशनलाइजेशन। बेटे अब मैं एक चीज बता दूं, कहीं आसमान से उड़ के नहीं आ जाने assertion reasoning, ऐसे ही किसी भी कंसेप्ट का assertion reason बन सकता है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि यू डू द कंसेप्चुअल रिवीजन, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू अटेम्प्ट assertion reasoning, केस स्टडी, स्टैंड अलोन, कुछ भी करने के लिए आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, of the same type. No. फॉल्स कौन बोल रहा था यहाँ से? रूट टू इज इरेशनल नंबर, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। एंड सेकेंडली ही सेज एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इन अदर वर्ड्स ही वांट्स टू से दैट एज रूट टू इज रियल नंबर, देयरफॉर ऑन नंबर लाइन। सो बोथ आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। So this is all about today's lecture. We'll continue on the next working day.